अगर ये दोबारा दिखाओ तो सबसे बड़ा एक इशू मुझे नजर आया इस पूरे ऑस्ट्रेलियन टूर पे कि फुटवर्क नहीं इस्तेमाल हो रहा। फुटवर्क से मुराद है कि अभी ये देखें, अभी आप भाई जब गेंद मूव कर रहा होता है आप देखें गोरों को, ये अभी शान को दिखाया था ना, वो तो बिल्कुल स्टंप डाउन द लेग साइड सारे क्रीज के ऊपर आके खड़े हो रहे हैं। ये मेरी थ्योरी ये है कि मैं एज अ बॉलर डिस्टर्ब होता हूँ कि कोई मेरे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए या खड़ा हुआ है वो आगे बढ़ना शुरू हो, ऐसे करें बस सिर्फ इतना ही करें ना, तो बंदा जो कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, यू नो बॉलर अपने लेंथ चेंज कर रहे, एक को दिखा देंगे किसी ने निकल के मारा, जो हिट भी मार रहे हैं वो क्रीज पे खड़े होकर, अच्छा चलिए ये तो है आप स्पिनर पे दिखे वो मार रहे हैं, प्लेयर को दिखा दो देखिए ये बंदा वहीं से खड़े होकर उसने मारा है, ये जो भी शख्स कौन है ये तो शादाब ने एक गेंद पहले छक्का मारा अगली गेंद पे, ये तो बिल्कुल लग रहा था निकल कर तो मारे ना, मतलब स्टेप आउट तो करे, मतलब कि उसके पावर तो ले, आखिरी प्लेयर हैदर भी वहीं खड़े हो कैसे कर लिए, अब आप उसको दिखा दें जो आपका आखिरी प्लेयर है, आखिरी जो लड़का ने शॉट मारा है वही क्रीज पे, ना उसने कुछ झटका दिया बॉलर को, कुछ नहीं किया। की बात कर रहे थे वसीम से, अच्छा लास्ट वन देखे अब ये हो गया ना, अब आप इसका शॉट दिखाएं वही फंसा हुआ, कौन था ये आखिरी शाहीन शाह, ये देखे ये वही खड़े होके मारा, कोई थोड़ा सा उसके उनको नी में इंजरी हुई हुई है नेचुरली, आप कांट एक्सपेक्ट कि वो बैक फुट पे जाके इस तरह हिट मारे, गेम अवेयरनेस की बात में जो प्रॉब्लम नजर आई है दोनों मैचेस के अंदर, गेम अवेयरनेस बहुत ज्यादा लैक कर रही है, गेम अवेयरनेस जो सिचुएशन है उसकी क्या डिमांड है क्या रिक्वायर्ड है आपसे, आप वो चीज नहीं करें, जब वो चीज नहीं करेंगे तो नेचुरली जो ऑपोनेंट है वो हावी होगी ना आपके ऊपर, विकेट लूज करे जा रहे हैं, कहीं भी पार्टनरशिप नहीं लगी, आई थिंक ओवरऑल बैटिंग का कोलैप्स ही इस वजह से हुआ है हमारा कि कोई प्लानिंग नहीं थी किसी किस्म की। अच्छा, बाबर का डिसमिसल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतना बड़ा प्लेयर उसको गेंद बड़ा आला पड़ा है, ऑन साइड पे खेलने गया और गेंद गली में वो कैच हो गए, सीखो भाई आप देखें उसका फ्रंट फुट जो था वो मूवमेंट मूव नहीं, वो भी छोटा सा इतना सा निकाला है बिल्कुल, इस तरफ बॉडी लीन कर गई दूसरी तरफ, वो इधर खेलने जा रहा था उसका बल्ला ही चला गया ऑन साइड के ऊपर, अब जब उसका बल्ला ऑन साइड पे गया टॉप एज लगा और उधर ये देखे ये देखे बल्ला कहाँ जा रहा है और वो गेंद उधर गली में चले गई फ्लाई कर गई, खैर वो बॉल भी अच्छा कर रहा था लड़का पहले ही, वो आकिब भी थे तुम लोग कह रहे थे कि ये अच्छा करेगा इस पे, इवन ही बॉल रियली वेल एंड फास्ट, उसने अच्छी स्पेस से बॉल की है, टोटली डिसीव किया हमारे बैट्समैन को और बैट्समैन और बॉल की लाइन में नहीं आ रहे, बॉल की लाइन से हट के खेल रहे, जहाँ एक्स्ट्रा बाउंस होता है वहां बॉल निकल जाती है, अगर आप इस रनिंग में देखें इतनी सारी डॉट बॉल्स हुई हैं जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हुआ, विकेटें गिरी हैं पिरिसी वजह से, मोइन तो मैं इस आखिरी स्टंप में बड़ा मजा आया हो गया, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल बहुत वेरी गुड कलेक्शन स्टंपिंग की है, ब्यूटीफुल कलेक्शन, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि विकेट कीपर के लिए बड़ा बड़ा एज अ विकेट कीपर इसको बहुत मजा आया, अगेन जो आप कर रहे हैं जस्ट सो अलर्ट एंड अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड जिसरा पे होता है बिल्कुल फुल लेंथ और बहुत जबरदस्त डिलीवरी भी कराई थी, अच्छा एक और चीज हमने नोट की है कि ये शान स्वीप नहीं मार पा रहा है अच्छी वाली, ये भी स्वीप हां पहले मारता था, I don't know, रीजन के थ्रू आउट उसके सामने विकेटें गिरती रही हैं दोनों मैचेस के अंदर, होल्ड किया काफी होल्ड किया अपने आप को कि मैं क्रॉस बैटेड शॉट्स पे ना जाऊं, इस वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने शान मसूद की अच्छी बात नहीं की, वो भी जिस तरह आउट हुए आई थिंक गॉट लिटल कंफ्यूज, बट शान मसूद लास्ट मैन स्टैंडिंग रहे अब इन दोनों मैचेस में, बट इट्स अनफेयर कि उन बेचारे के साथ कुछ साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया मगर जैसे कि ये बॉल था इस पे स्वीप लगनी चाहिए थी बहुत जोरदार किस्म की, वो बेचारे की बैड लक हो गई, चवालीस तो किए उसने मगर मैच जिता देता तो क्या, यहाँ पे भी जो लैकिंग नजर आई वो अज्यूम नहीं किया, वो तो अज्यूम कहीं और कर रहे थे, बॉल कहीं और गिर गई और फिर वो मिसराइड करके वो डिसबैलेंस हो गए जिस तरह वो आउट हुए, ऐसी डिसबैलेंस आप उसी वक्त होते हैं जब आप अज्यूम कुछ कर रहे होते हैं और बॉल कहीं और गिर जाती है, तो फिर इसी तरह फीट मूवमेंट से आपका क्लियरली नजर आता है कि आप कुछ और सोच रहे थे। अरे बहुत